हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। और आपको वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कृषि वानिकी और पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। कृषि वानिकी भी टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण, जो कि दोनों टॉपिक में बहुत ही बढ़िया। तो वानिकी से क्वेश्चन पूछ सकता है या तो पर्यावरण से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं पहले पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण संरक्षण जानते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के एकमात्र उपाय है। पर्यावरण संरक्षण का क्या करता है अपन, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के एकमात्र उपाय पर्यावरणीय संरक्षण है। जब तक हम आपदाओं से बचाव नहीं करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा। तो इसका उपाय क्या है, आपदाओं से बचाव करना। हम देखते हैं कि पर्यावरण जितने भी हैं उसमें संसाधन है, पर्यावरण संसाधन है, जैसे कि आपका है भूमि। पर्यावरण संसाधन क्या कहते हैं, भूमि, जल, वायु, खनिज, वन। ये न्यूनतम उपयोग कर क्या करना है, इसमें से अधिकतम लाभ कमाना है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। इससे क्या हो गया, पर्यावरण संसाधन में भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, यहाँ से क्या करना है, आपको न्यूनतम उपयोग करना है इसका और अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, अर्थात उन्हें कम से कम हानि पहुंचाना है। क्या करना है, कम से कम हानि पहुंचाना है, ठीक है। फिर किसके अंतर्गत आएंगे, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। हम देखते हैं आगे इसके उद्देश्य देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्या है मुख्य उद्देश्य देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या निम्नलिखित है, क्या है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य आपका पर्यावरण संसाधनों की अपव्यर्थता को रोकना। पहला उपयोग क्या है आपका, उद्देश्य क्या है आपका, पर्यावरण संसाधनों की अपव्यर्थता को रोकना। दूसरा क्या है आपका, भावी उपयोग के लिए संसाधनों को बचत करना। क्या है, जो भी भावी उपयोग होंगे वहाँ क्या करना है आपको, संसाधनों को बचत करना है। तीसरा क्या है, संसाधनों का योजनाबद्ध एवं उपयोगपूर्ण रीति से उपयोग करना। तीसरे क्या बात कर रहा है आपका, संसाधनों का योजनाबद्ध एवं उपयोगपूर्ण रीति से उपयोग करना। हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट है, हम देखते हैं पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, इसको हम पहले आवश्यकता को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण तो जिसमें मानव रह रहा है, मतलब कि हम जहाँ रह रहे हैं क्या पूरा पर्यावरण से घिरा हुआ है, बिना पर्यावरण के हम रह नहीं सकते। पर्यावरण क्या, जिसमें मानव रह रहा है, अपने सभी जैविक तथा, क्या बात की हमने, अपने सभी जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ समन्वित या समरस तथा संतुलित रहना आवश्यक है। क्या बात की इसमें संतुलित रहना आवश्यक है तथा समरस रहना आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तीसरे अलग अलग पॉइंट है, हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग ही महत्व आवश्यकता के बारे में बात की। पहला पॉइंट है आपका पर्यावरण का हमारी, क्या बात किया, पर्यावरण का हमारी शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य तथा मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है आपका, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है आपका, स्वास्थ्य तथा मन पर, स्वास्थ्य तथा मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस बात को अपन समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, इसका संरचना स्वास्थ्य तथा, क्या बात करें इसे प्राकृतिक संसाधन, क्या बात किया अपन ने, प्राकृतिक संसाधन जितने स्वच्छ निर्मल होंगे हमारा शरीर और मन, क्या बात किए, प्राकृतिक संसाधन जितने स्वच्छ और निर्मल होंगे हमारे शरीर और मन भी उतना स्वच्छ और निर्मल होगा। ये उस पॉइंट की बात कर रहा है, पर्यावरण का हमारा शारीरिक संरचना तथा स्वास्थ्य तथा मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जितना स्वच्छ हमारा शरीर और निर्मल हो, जितना स्वच्छ निर्मल होगा हमारा शरीर, मन भी उतना ही स्वच्छ और निर्मल होगा। दूसरा पॉइंट आपका, राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करता है। क्या है, राज्य की स्थिरता, राज्य की जितनी स्थिरता रहेगी क्या, पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट आपका है, जैविक विकास में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जितने भी जैविक विकास के लिए क्या, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके संरक्षण भी क्या बहुत ही आवश्यक है। आपका चौथा पॉइंट देखते हैं अपन, आपका चौथा पॉइंट है आपका, देश आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। हम जैसे जैसे देश के आगे विकास के आगे बढ़ते जा रहे हैं या तरक्की को आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए क्या अपना पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यक है। पांचवा पॉइंट आपको क्या बात करता है, औद्योगिकरण, जितने भी उद्योग हैं या औद्योगिकरण है, उद्योग है जितने औद्योगिकरण है या नगरीकरण है, औद्योगिक के प्रयोग ने प्रदूषण की गंभीर समस्या को उत्पन्न किया है। क्या औद्योगिकरण जितना बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, नगरीकरण जितने देश में नगरीकरण बढ़ते जा रहा है, पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कटाई होते जा रहे हैं, औद्योगिक
का उद्योग लगते जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा होते जा रहा है, इसके कारण हमारा प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होते जा रही है। आगे हम इसके बारे में वो डिटेल समझते हैं और क्या क्या संरक्षण सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में देखते हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण के सरकार ने भी अनेकों कदम उठाए हैं। क्या क्या है पर्यावरण संरक्षण के सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं तो हम पर्यावरण संरक्षण के सरकार ने उठाए गए कदम के बारे में देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 30 कानून बनाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के सरकार ने कदम उठाए हैं लेकिन उसके क्या कि उन्होंने कानून बना दिए। क्या बना दिए उसके लिए आपका कानून बना दिए या अधिनियम बना दिए। उसमें क्या बनाया लगभग 30 कानून बनाए हैं। कितने लगभग है ये लगभग 30 कानून बनाए हैं। इसमें कुछ प्रमुख कानून हम आप देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही। सो प्रमुख कानून आपका जल प्रदूषण व निवारण और नियंत्रण अधिनियम क्या 1974। हमारा आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम क्या है आपका 1974। और दूसरा अधिनियम आपको वायु प्रदूषण और निवारण क्या है आपका 1981। इसके अंदर क्या था आपका फैक्ट्री अधिनियम या कीटनाशक अधिनियम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम क्या आपका 1981 के अंतर्गत है। हम देखते हैं आगे और इसके बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए हैं परिवहन संगठनों के लिए। तो हम देखते हैं परिवहन संगठन के गठन के बारे में समझते हैं। परिवहन संगठनों का गठन सरकार ने सर्वप्रथम 1972 में क्या किया 1972 में पर्यावरण समन्वय समिति का गठन किया। कब किया आपका पर्यावरण समन्वय समिति का गठन 1972 में आपका क्या किया गया पर्यावरण समन्वय समिति का गठन किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ के हर एक हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज को लिया है जो चैनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहा था जनवरी 1980 में एक अन्य समिति का गठन किया गया। 1980 में क्या किया गया एक अन्य समिति का गठन किया गया जिसमें क्या कर विभिन्न कानून तथा पर्यावरण को बढ़ावा देना था। 1980 में क्या गया एक अन्य समिति का गठन किया गया जिसके अंतर्गत क्या करते थे वो पर्यावरण को बढ़ावा देने उसके अंदर क्या अनेक कानून बनाया गया था पर्यावरण को बढ़ावा देने के प्रशासनिक तंत्र के विवेचना को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। प्रशासनिक तंत्र की विवेचना को क्या करते हैं सुदृढ़ करने का उसमें कार्य करते हैं। हम आगे वाले थे संगठन की बहुत सारी बातें हैं हम देखते हैं पहले संगठन की और बातें देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है इस समिति की सिफारिश वर्ष 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। इस समिति की जब सिफारिश की गई तो 1980 में क्या किया गया आपका 1980 में क्या किया गया पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई आपका 1980 में की गई है आपका पर्यावरण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वर्ष 1985 में पर्यावरण वन्य और वन्य जीव मंत्रालय की स्थापना की गई। पर्यावरण वन्य और वन्य जीव मंत्रालय की स्थापना कब की गई आपका 1985 में की गई। हम देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा का अधिनियम 1986 हमने ऊपर देखा था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का 1986 है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं यहाँ पे यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 लागू किया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया आपका डायरेक्ट पूछ सकता है आपका 1986 में लागू किया गया लेकिन इसका डेट भी पूछ सकता है आपका तो कब लागू किया गया है आपका 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें रखी गई इस अधिनियम में क्या किया गया केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण बातें रखी गई क्या किया गया इसके अधिनियम के तहत आपके महत्वपूर्ण बातें रखी गई। हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बातें के बारे में। इसका पहला पॉइंट क्या बात करें पर्यावरण की गुणवत्ता जितनी आपकी पर्यावरण सिखाया गया गुणवत्ता के बारे में बात किया संरक्षण के सभी आवश्यक कदम उठाना एक केंद्र सरकार के पॉइंट से बात कर रहे हैं पर्यावरण की गुणवत्ता और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना। क्या पर्यावरण की गुणवत्ता की बात करेंगे अपन संरक्षण के लिए भी क्या करेंगे उसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करें पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत क्या है पर्यावरण सुरक्षा के जितने भी अधिनियम हैं उनसे संबंधित जो भी अधिनियम अंतर्गत आते हैं उसमें कौन कौन कार्य करेंगे आपके राज्य सरकार केंद्र सरकार वहाँ क्या करेंगे अधिकारी और प्राधिकारी को काम सामान्य स्थापित करना। ये पर्यावरण के अंतर्गत कितने क्या करेंगे अधिकारी और प्राधिकारी क्या करेंगे ये काम सामान्य स्थापित करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका बात करता है कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हम क्या है प्रदूषण में क्या करेंगे निवारण लाएंगे। नियंत्रण उपशमन के लिए राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना क्या है पर्यावरण प्रदूषण का अनेकों कार्यक्रम चलाया गया उसके नियंत्रण के लिए भी अलग कार्यक्रम चलाया गया और उपशमन के लिए भी राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय योजना बनाना उसे क्रियान्वित करना। पर्यावरण के लिए अनेक कार्यक्रम तो बनाया गया लेकिन उसे क्या करते हैं क्रियान्वित नहीं करते हैं उसमें क्या करना इसमें क्रियान्वित करना। और नेक्स्ट पॉइंट बात करता है पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना करना उन्हें मान्यता प्राप्त करना
पर्यावरण सुरक्षा के लिए उसके संरक्षण के प्रदूषण के नियम के लिए अनेक प्रयोगशाला बनाया गया, जहाँ पर प्रशिक्षण प्रयुक्त उसके वो करेंगे निरीक्षण करेंगे, उसमें क्या किया पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना करना और उन्हें क्या करना है मान्यता प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट आपके पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाया गया अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया अनेक अधिनियम बनाया गया, लेकिन हमने क्या किया गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्यावरण अधिनियम को लाया है, भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया आपका 1927 में, कब लाया गया आपका भारतीय अधिनियम वन अधिनियम की बात कर रहा है ये 1927 में लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, यहाँ पे वन अधिनियम की बात क्या है यहाँ पे क्या बात कर रहा है वन संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया आपका 1980 में। तीसरा पॉइंट क्या बात कर रहा था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, क्या बात कर आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया आपका 1986 में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया आपका 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया आपका 1980 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाया गया। उसी में डायरेक्ट आप यहाँ पे बात कर रहे हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया आपका 1972 में, 1972 ये राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल क्या बात कर ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 में, कब लाया गया आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम ट्रिब्यूनल अधिनियम कब लाया गया आपका 1995 में, 1995 में लाया गया। उसी में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना आपका 2002 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लाया आपका 2002 में बना, कब बना आपका 2002 में। और आपका 5 जून को क्या किया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और उसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।